सब्सक्राइब कीजिए इजी कुकिंग को और साथ ही में घंटी पे क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इजी कुकिंग। आज हम बनाएंगे बाजरे के आटे की पूरी। तो ये मैंने बाजरे का आटा लिया है, ये मैंने 2 कप आटे का लिया है और ये मैं इसमें डालूंगी 1 कप गेहूं का आटा। ये डाल दिया है मैंने और यहीं पे डालेंगे हम ये आधा कप बेसन, ये भी डाल दिया है मैंने इसमें। यहीं पे डाल देते हैं ये हरा धनिया, ये मैंने बहुत ही बारीक कट करके रखा हुआ है। और यहीं पे डालेंगे हम ये दही, ये मैंने दही ली है 2 टेबल स्पून, ये डाल दी है मैंने। और यहीं पे हम मसाले डालेंगे, ये मैंने कुछ मसाले लिए हैं। ये मैंने 1 टीस्पून लिया है लाल मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लिया है मैंने चाट मसाला, 1 टीस्पून भुना पिसा जीरा, 1 टीस्पून नमक। नमक और मिर्चें आप अपने हिसाब से डाल लीजिए, ये भी डाल दिया मैंने। और यहीं पे मैंने लिए हैं ये 3 मीडियम साइज़ के आलू, मैंने इनको उबाल के छील के बिल्कुल बारीक तोड़ लिया है, ये देखिए। ये भी डाल देते हैं हम इसमें ही और मिला लेंगे इन सबको अच्छे से। अच्छे से मिलाने के बाद फिर हम इसमें पानी डालेंगे, पहले इनको अच्छे से तो मिलाएंगे ये हम। देखिए मैंने इन सबको अच्छे से मिला लिया है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं, ये मैंने 2 टीस्पून ऑयल का लिया है डाल दिया है इसमें, इसको भी हम अच्छे से मिला लेते हैं। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा गर्म पानी डाल के इसको गूंदेंगे, ये मैंने गर्म पानी लिया है थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं इसमें और गूंद के तैयार करते हैं हम इसको सिंपली अपनी रोटी तो पराठे ये के देखिए जैसा। मैंने आटा गूंद के तैयार कर लिया है, ये देखिए। अब हम इसको इसमें डाल देते हैं यहाँ पे, ये देखिए गूंद के तैयार हो गया है। हम इसको रख लेते हैं एक साइड और ऑयल रख देते हैं गर्म तो होने के बनाना लिए। शुरू करते हैं। हमें इसमें से पेड़े निकाल लेने हैं, छोटे छोटे पेड़े निकाल लेने हैं हमें इसमें से, ये देखिए ये देखिए। अब हम इसे सूखे आटे में ऐसे लपेटेंगे, ऐसे लपेटेंगे चारों साइड से अच्छे से और फिर हम इसको ऐसे चकले पे रख के बेलेंगे, एक बेलन की मदद से बेलेंगे हम इसको। इसको बहुत ही हल्के हाथ से बेलना है। हम इसको फिर से सूखे आटे में लपेटेंगे और फिर से बेलेंगे। इसको बहुत ही हल्के हाथ से बेलना है क्योंकि ये बहुत जल्दी से फैल जाती है, तो बहुत ही हल्के हाथ से बेलिएगा आप। ये देखिए हमारी एक पूरी तैयार हो गई है। हम इसको सीधा डालते हैं ऑयल में क्योंकि मैंने हमारा ऑयल ऑयल गरम रखा हो हुआ चुका है है, गैस पे गर्म होने के लिए। हमारा ऑयल गर्म हो गया है, गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा हुआ है और हमारा ऑयल भी मीडियम गर्म हो गया है। हम इसमें एक एक पूरी ऐसे डालते जाएंगे और इसको फ्राई करते जाएंगे। इसको हम ऐसे हल्के हल्के हाथ से तो दबाते हमारी रहेंगे। पूरी इधर से हल्की सी सिक गई है। अब हम इसको दूसरी साइड पलट लेते हैं, ऐसे करके पलट लेंगे हम इसको और इधर से भी हम इसको हल्के हल्के हाथ से ऐसे दबाते जाएंगे। ये देखिए आराम से फूल के तैयार हो जाएगी हमारी पूरी, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी, मज़ेदार बनेगी। आप ज़रूर से बनाइएगा, बहुत पसंद आने वाली है रेसिपी आपको। तो ये देखिए हमारी ये पूरी तैयार हो गई है। हम इसको निकाल लेते हैं, हम इसको ऐसे ही हल्का सा तिरछा करके ऐसे और निकाल लेंगे बाहर। तो इसी तरह हम दूसरी वाली पूरी भी डाल देते हैं, ऐसे करके बहुत ही ध्यान से डालेंगे क्योंकि हमारा ऑयल गर्म है। इसको भी हम ऐसे हल्के हल्के हाथ से दबाते रहेंगे, हल्के हल्के हाथ से दबाते रहेंगे इसको ऐसे करके। ये देखिए ये भी फूलने लगी है। हम इसको भी दूसरी साइड पलट लेते हैं, ऐसे करके हम इसको दूसरी साइड पलट लेंगे, ये देखिए ये देखिए। तो लीजिए बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी हमारी बाजरा की पूरी बन के तैयार हो गई है, बहुत ही बढ़िया बनी है। आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत पसंद आएगी आपको। और ये मैंने इसके साथ ली है आलू की सब्जी। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।